हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष यादव और स्मार्ट जी के ट्रिक के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको अपने करियर में सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ यह पता लग पाएगा कि आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें पहला करियर या पहला कोर्स कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की, ठीक है। इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई, ठीक है। बीटेक का मतलब है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 4 साल का कोर्स है। इसे आप कई तरह से कर सकते हैं, ठीक है। कई ट्रेड में कर सकते हैं, जिसमें आप चाहे उसमें कर सकते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक या सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और बात करें बीई की, तो ये भी 4 साल का कोर्स है। बीई का मतलब है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अब यहाँ मैं इस बात को बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा कि इंजीनियरिंग बेकार है। जितने भी कोर्सेज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सारे इक्वल हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को, उस कोर्स को, या उस डिग्री को, या उस करियर को किस प्रकार देखते हैं। मेरा यह मानना है कि कोई भी काम या कोर्स, डिग्री या करियर अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए वो अच्छा है, भले ही दुनिया उसको कितना भी बुरा कहे। अगर आपका शुरू से पैशन है कि मैं देश की सेवा करूं, देश के लिए कुछ करूं, आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में जाऊं, तो आप 12th के बाद NDA का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप उस इंटरेस्ट टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसको पास कर लेते हैं, तो NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको BA, BSc या BTech कोर्स करने का ऑप्शन देती है। और कोर्स पूरा होने पर आपको NDA एक अच्छी पोस्ट पर रख देती है। जैसे कि आपने अगर NDA में क्या चुना हो, अगर आपने आर्मी चुना हो तो आर्मी में एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है आपको। अगर आपने नेवी चुना हो तो नेवी में एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है। अगर आपने एयरफोर्स चुना हो तो एयरफोर्स में आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है। इसके बाद एक और एग्जाम होता है SCRA का, ठीक है। SCRA का एग्जाम रेलवे द्वारा होता है और इसको कंडक्ट कराती है UPSC। अगर आप इस इंटरेस्ट टेस्ट को क्रैक कर लेते हो तो जो रेलवे है आपको 4 साल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech कराता है। उसके बाद रेलवे आपको ग्रुप 1 की जॉब देता है, यानी कि ऑफिसर लेवल की जॉब देता है। अगर आपने 12th साइंस से कराया है तो आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, बहुत से विकल्प हैं आपके पास। आप कोई भी फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपने PCB करा है, ठीक है, आपका इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो था, आपने बायो से इंटर करा है, तो आप MBBS की तरफ जा सकते हैं, नर्सिंग BSc कर सकते हैं, या आयुर्वेदिक से BAMSS कोर्स कर सकते हैं, BHMS कोर्स कर सकते हैं, VPharma कर सकते हैं, DPharma कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कोर्स के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताया है। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो सिंपली आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में जानकारियाँ मिल जाएगी। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें।